नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दरअसल प्रदेश में कोरोना की खबरों की जब बात हो रही हो तो यह लाइन या कहें डिस्क्लेमर इन दिनों आम बोलचाल की भाषा बन चुका है। दावा किया जाता है कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन तमाम दावों की विश्वसनीयता कटघरे में है। इसकी वजह है मथुरा में कोरोना की फर्जी टेस्टिंग जैसे कई मामले, कानपुर की वह लैब जहां पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया जाता रहा। जब ये मामले मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचे तो होश फाकता होना लाजमी था। कानपुर से एक और मामला सामने आया इन दिनों, और यह मामला स्वास्थ्य महकमे की संजीदगी पर सवाल खड़े करता है। सरकार ने पारदर्शिता और लोगों की सहूलियत के लिए कोरोना की रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल का विकल्प तैयार कराया है, लेकिन क्या यह सही से चल रहा है, इसमें क्या क्या गड़बड़ियां आ रही हैं, ये जानना जरूरी है। आइए देखें। कानपुर के रहने वाले दिव्यांशु तिवारी नाम के युवक की आंख में दिक्कत होने के चलते उनका हैलट अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान इन दिनों डॉक्टर्स एहतियात के तौर पर कोरोना रिपोर्ट मांगते हैं। दिव्यांशु ने 5 अक्टूबर को जागेश्वर अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया था। एंटीजन की रिपोर्ट 6 अक्टूबर को मिली। रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन इसमें नाम और जेंडर दोनों ही बदला हुआ था। दिव्यांशु की जगह दिव्यांशी तिवारी और जेंडर महिला लिखा हुआ था। बाकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। इसके साथ ही कोरोना की एक और रिपोर्ट जिसमें दिव्यांश कुमार लिखा हुआ था, वह RT-PCR की जांच, इसमें लैब का नाम GSVM दिया गया था, दोनों ही रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब युवक के पास समस्या यह कि इस रिपोर्ट के साथ वह भला कैसे डॉक्टर के पास जाए, क्या ऐसी स्थिति में इन रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाएगा। रिपोर्ट्स में इन गड़बड़ियों की जानकारी कानपुर के CMO डॉक्टर अनिल मिश्रा को दी गई। गड़बड़ियों की बात उन्होंने भी स्वीकार की। हालांकि इन सबके बीच सवाल यह उठता है कि जांच के वक्त आधार कार्ड देखने के बाद भी नाम और जेंडर जैसी बड़ी खामियां सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह भी होना लाजमी है कि रिपोर्ट की प्रमाणिकता पर कैसे यकीन किया जाए। सवाल यह भी है कि कहीं कोरोना रिपोर्ट में नेगेटिव पॉजिटिव से संबंधित गड़बड़ियां तो नहीं शामिल हैं। इस संबंध में जब कानपुर CMO डॉक्टर अनिल मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिसका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है उसका RT-PCR टेस्ट भी कराया जाता है, बाकी जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसका RT-PCR टेस्ट नहीं कराया जाता है। CMO ने कहा, ऑनलाइन रिपोर्ट में नाम और जेंडर को लेकर लगातार गलतियां सामने आ रही हैं। दरअसल इसके लिए शहर भर में 40 टीमें बनाई गई हैं। ये सभी लड़के कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए हैं, इन सभी को कार्य योजना के तहत ट्रेनिंग भी दी गई है, इसके बाद भी लड़के गलतियां कर रहे हैं। गड़बड़ियों के बाद इन्हें फटकार लगाई जाती है तो ये काम छोड़कर भाग जाते हैं। टेस्ट के दौरान जो नाम दिए जाते हैं पोर्टल ऑपरेटर वही नाम और रिपोर्ट लिखकर पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। कोरोना के मामलों में अगली पड़ताल के लिए देखते रहिए कोरोना द गेम। लगातार बढ़ते आंकड़े, बेहिसाब दर्द, चीखें और आंसू, पहले पैसे की बात करते हैं, कभी घर में तीन तीन लोगों को हो गया। वो महामारी जिसने सबको रुला दिया, क्या बच्चा क्या नौजवान, पूरी दुनिया को हिला दिया। स्वास्थ्य महकमा, अस्पताल, सबकी पोल खुल गई, सारे फर्जीवाड़े की परतें धुल गईं। कोरोना द गेम।